ये राजनीति है, इसमें तो अपनी लुगाई अपनी नहीं होती, बिरादरी तो क्या होगी। सच्ची बात तो नहीं, ये चंद दिन पहले उठ के डंका बजा देना कि मैं राजनीति में आ गया, मैनू करूंगा वो करूंगा, ये कुछ नहीं। चंदन चौहान, उसने टोटली विकास गुजरों में करवाया, जहां से उसे 150 वोट मिले, 35 वोट मिले, 40 वोट मिले, उन गांव का विकास बहुत हुआ। हमारे गांव में उसने कुछ नहीं करवाया था। मुसलमान तो से खुश हो जाए, इनकी शादी में नेता जाए, एक तो कोई मर जाए उसमें नेता जा और मुसलमान खुश। नहीं तो विक्रम सैनी भी ऐसा जैसे कादिर राणा फिर, तो इसका मतलब तो ये हुआ कादिर राणा कैसे है, नहीं जैसे उनने बोल दिया वैसे वे है। बस जैसे उसने बोला कि गुंडा है तो वो भी उसी लैंग्वेज में उसे भी लग रहा होगा वो भी गुंडा ही है। वैसे तेलंगाना में सबसे बड़े चुनाव लड़े अपना, वहीं लड़ते रहे, वहीं अच्छे रहेंगे। ये उत्तर प्रदेश है, बसपा का तो खाता भी नहीं खुल रहा। सही बात है, कोई दलित ही दे देंगे तो बात, वोट लेने के बाद ही कह दे हमें वोट दिया मुसलमानों ने तो वोट देगा, फायदा क्या हो रहा था। हिंदू भी अपना भाई है, वे भी बहुत अच्छे है। हम मौजूद है मीरापुर विधानसभा के गांव नयागांव नगला बुजुर्ग में, जो कि भोपाल के पास पड़ता है, और चुनाव जो है 13 नवंबर को होना है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं मैदान में, और मैं आपको बता देता हूं कि आजाद समाज पार्टी से जो प्रत्याशी है वो जाहिद हुसैन है, और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है वो शाहनजर है, और समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी है वो कादिर राणे के बेटे की जो बहू है सुम्बुल राणा है। और एक तरफ अगर देखा जाए तो इलेक्शन में RLD और BJP का गठबंधन है, उनकी प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, यानी कि माना जाए एक हिंदू कैंडिडेट है और 4 मुसलमान कैंडिडेट है। अब देखते हैं टक्कर किसकी होती है, गांव के लोग क्या सोचते हैं और किसको सपोर्ट करते हैं। देखो अभी आपने पूछा कि RLD को क्यों सपोर्ट नहीं किया, यार मुझे आप तो चलिए रिपोर्टर है, आप तो सर्वे कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो सवाल है जयंत चौधरी जी से है डायरेक्ट। जब 2022 के चुनाव में चंदन चौहान जी यहाँ से विधानसभा के इलेक्शन लड़ रहे थे और जयंत चौधरी जी मोरना में आए थे, एक महासभा हुई थी, तो जयंत चौधरी वहां कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी को कि बाबा जी आप वो है, बाबा जी आप वो है, ये बाबा जी का ही नाम था केवल। लेकिन अब जयंत चौधरी जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि बाबा जी में या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब में ऐसी क्या खूबी आ गई जो आप उनके साथ मिल गए, और पहले उनमें क्या कमी थी जो आप उनकी बुराई कर रहे थे। शादाब जी बताइए गाँव का माहौल कैसा है। गाँव का माहौल तो जी सही है, यहाँ तो सपा को वोट कर रहे हैं, यहाँ तो सब सपा को वोट कर रहे हैं और सपा को ही करेंगे। क्यों करेंगे सपा को? पिछली बार RLD को दिया था जी विधानसभा में, देखो क्या हुआ, 6 विधायक बना के भेजे थे यहाँ से, कल टिमार के अपना BJP में पहुंच गए। मुसलमान इसलिए इससे नाराज होकर पीछे इसे बिल्कुल खाई में धकेल दिया RLD को। पहले मुसलमानों ने काफी वोट किया है, काफी ऊंचाई पे ले गए थे मुसलमान की देने, जो RLD ऊंचाई पे गई थी, अब खाई में आ गई फिर से। तो RLD को वोट न करने की वजह क्या है? बस यही है कि BJP से गठबंधन करा, हमारे भावनाओं को ठेस पहुंची, इसीलिए वोट नहीं कर रहे हैं, इसलिए चाहती खत्म हो गई है। हाँ। चंदन चौहान जी कैसे आदमी है, जो MP है वो तो अच्छे आदमी नहीं है, क्योंकि 2022 से जिता कर भेजा, MP बना कर भेजा, अब तक तो गांव में आगे नहीं देखा कि कुछ काम करवाए ना करवाए, आज तक कुछ काम नहीं करवाया। मुसलमानों ने MP बना दिया, विधायक भी बना कर भेजा था, और अब भी टिकट की लाइन में थे, टिकट कट गया, हमें तो बहुत खुशी है कि उनका टिकट कटा। मोहम्मद इंतजार जी, गांव में चुनाव का क्या माहौल है? गांव में जो चुनाव का माहौल है तो हमारे यहाँ तो असल में ये क्या नाम गठबंधन वाले भी है, और क्या जो हमारे जो केतली का निशान है चंद्रशेखर साहब जाहिद हुसैन उनकी पार्टी से लड़ रहे हैं, हमारे पड़ोसी है, और वो बहुत अच्छे विधायक जी है और बहुत अच्छे काम देखने वाले, हर टाइम गाँव के बीच में पब्लिक के बीच में रहने वाले आदमी है, बहुत भले सज्जन आदमी है जाहिद हुसैन जी। तो आपके करीबी गांव है रुड़गली, वहां के रहने वाले हैं, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है, तो गांव का रुझान क्या उनकी तरफ है? गांव का रुझान तो जी देखो जी सभी अपनी अपनी पार्टी में लगे हुए है जी, गांव तो सभी जगह उठ जाएगा जी वैसे तो। अब ये तो हम कह नहीं सकते किस पे ज्यादा जाएगा किस पे कम जाएगा, लेकिन हम अपने खुद को वोट जो है हम जाहिद हुसैन को दे। क्या वजह है जाहिद हुसैन को सपोर्ट करने? बस ये है कि हमारे एक तो पड़ोसी है और हमारे बीच में रहने वाला आदमी है, हम कहाँ मुजफ्फरनगर में या कहाँ कहाँ मेरठ में कहाँ से ढूंढते फिरेंगे बाहर के नेता को, तो हम अपने करीब के नेता को चाहेंगे। हमें मीरापुर विधानसभा में जो उपचुनाव होना है इसमें 4 कैंडिडेट मुस्लिम है जी, 4 प्रत्याशी जो है मुस्लिम है और एक है हिंदू, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं हमें इस बात से कोई लेना नहीं, कैंडिडेट तो कोई भी हो, हिंदू भी अपना भाई है, वे भी बहुत अच्छे हैं, हम इस किसी की बुराई नहीं हम करना चाहते, बहुत बढ़िया लड़ रहे हैं, वे भी सभी बढ़िया लड़ रहे हैं। ओवैसी के बारे में क्या ख्याल है आपका? ओवैसी के तो शायद मैं कह नहीं सकता जी, हमारे यहाँ ऐसा कोई आदमी मिला नहीं कि वो ओवैसी का।
उवैसी ने भी अपना प्रत्याशी जो है मैदान में उतारा है। जानते नहीं जी क्या नाम जो है, कौन लड़ रहा है, हमने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। उवैसी का प्रत्याशी आता है यहाँ पर वोट मांगने के लिए, तो क्या रहेगा आपका उनके बारे में? बस वो हम तो जी उनसे मिले नहीं आज तक, वे कौन है। नहीं, अगर वो आते हैं यहाँ पे? नहीं, वो आते हैं तो जी अब तो हमने असल में बात किया है, हमने पहले ही समर्थन दे दिया है भाई जाहिद को, तो देखो ऐसा है अब तो हम बदल नहीं सकते। जाहिद भाई भी बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं, और बस ये है कि उनकी चर्चा गलियारों में नहीं है। जब अकेले से हम बात करते हैं तो उनसे ये बात आती है। प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी के शाहनजर, वो भी झोजा बिरादरी से ही ताल्लुक रखते हैं। जी जी, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी के, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में तो है जी, जो हमारा दलित समाज है वो इस बार उस तरफ नहीं जा रहा, वो चंद्रशेखर की पार्टी को उन्होंने अपना ली और वे बहुत जद्दोजहद से भाई जाहिद के ला रहे हैं, बहुत अच्छे वोटर से उसके साथ दिलो जान से ला रहे हैं। तो इसी बात को देखते हुए हमने फैसला लिया है अपना वोट देने का जाहिद भाई। नवाब अली जी, गांव में चुनाव का क्या माहौल है? ठीक चल रहा जी चुनाव तो गांव में, जैसे अपना ठीक बढ़िया रुझान चल रहा जी। ज्यादातर रुझान किस पार्टी का है, किस प्रत्याशी का? नगला बुजुर्ग में देखा जाए तो सपा का ज्यादा रुझान है जी। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है शंभू लाना का जी, क्या वजह है शंभू लाना का? लोग यहाँ शंभू लाना देख रहे जी, अखिलेश देख रहे सीधा, बस पार्टी देख, समाजवादी पार्टी देख रहे हैं। ये नहीं पता ना कौन लड़ रहा, देखो नहीं पता चुनाव कौन लड़ रहा, बस वो तो सिर्फ सपा देख रही है, सपा है अखिलेश है वोट देने। अच्छा, जैसे और मुस्लिम प्रत्याशी है यहाँ से झोजा बिरादरी के हैं, तीन है वैसे तो, लेकिन दो ज्यादा चर्चाओं में आ रहे हैं, जाहिद हुसैन है आजाद समाज पार्टी से और दूसरे हैं बहुजन समाज पार्टी से शाहनजर जी, और एक तीसरे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी से वकार जी। तो इन अभी चार कैंडिडेट हो गए, एक हिंदू कैंडिडेट हो गया, तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा ना? उसका कोई फर्क नहीं है, ऐसा कोई खास नहीं। मीरापुर विधानसभा की जो सीट है इसमें ज्यादातर मुस्लिम वोटों में झोजा बिरादरी के सबसे ज्यादा वोट है, और झोजा बिरादरी के ही तीन चार प्रत्याशी आ गए हैं, तो उसका क्या फर्क? पार्टी का भी तो फर्क होना जी, वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट ले आए, जो वोट लेने के बाद ही कहते हैं हमें वोट नहीं दिया मुसलमानों ने, तो वोट देकर फायदा क्या हो रहा है? आपके लोकसभा में यहाँ हमारे गाँव ने 2175 वोट दे रखे, उसे 2700 वोट पड़े थे, 2175 दिए उसने, तुरंत सबसे पहला अनाउंसमेंट ये हुआ था कि हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, क्या क्या फायदा? तो मुसलमानों की वोट न करने की वजह यही बात है बसपा से, बहुत बहुत मतलब बसपा का तो खाता भी नहीं खुल रहा, सही बात है, कोई दलित ही दे देंगे तो बात अलग है, दलित भी ज्यादा इस बार समाज आजाद समाज पार्टी के साथ ज्यादा है। एमआईएम से भी एक प्रत्याशी मैदान में है अरशद राणा, तो ओवैसी के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो ओवैसी तेलंगाना में सबसे बड़ा चुनाव लड़े अपना, वहीं लड़ते रहे, वहीं अच्छे रहेंगे, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ की राजनीति अलग है, वहाँ की राजनीति अलग है, बहुत फर्क है राजनीति में, यहाँ का मुसलमान जो है वो आज भी सपा से जुड़ा हुआ है और अभी पता नहीं कब तक जुड़ा रहेगा। अच्छा, जैसे आपका गाँव है नया गाँव नगला बुजुर्ग, इसका विकास जो यहाँ का विकास होता है गाँव में? विकास तो हमने एक विधायक बना था जी अभी पीछे, चंदन चौहान, उसने टोटली विकास गुजरों में करवाया, जहां से उसे 150 वोट मिले, 35 वोट मिले, 40 वोट मिले, उन गांव का विकास बहुत हुआ, हमारे गांव में उसने कुछ नहीं करवाया था। चंदन को चुनाव जिता के भेज रखा यहाँ से, विधायक बनाया, फिर एमपी बनाया लोगों ने, हमने तो वोट नहीं दिए उसे, विधायक में दे दिया यहाँ, लेकिन एक झूठ और बोल गया बहुत लंबा विधायक, अभी वो जब विधायक बन गया इनका गठबंधन हो गया तो उसने कहा मैंने योगी से मील के लिए पैसे करा दिए, बिल्कुल फाइनल करा दी बात हो गई। कौन से मील के लिए? मोड़ना चीनी मील के लिए, और इतना लंबा झूठ बोल गया कि वो अब वो कुछ भी नहीं है उसमें, जो का तो मिल वैसे चल रहा है, जाकर देखो आप। नहीं, विधायक बनने के बाद गांव में कोई विकास कराया? कुछ नहीं, कुछ नहीं करा, एक सड़क बनवाई आज तक बस, तो वादे किए थे आपसे, वादे भी किए होंगे जब वोट किया है, तो वो वादे पूरे किए? कुछ कुछ नहीं किया चंदन चौहान ने, ना उसे यहाँ ना वो आया ही नहीं यहाँ, पहली बात तो एक आध बार बड़ी मुश्किल से किसी ने फोन कर दिया तो आ गया, नहीं तो वो इस गाँव में आया ही नहीं, फिर वोट लेने के बाद खत्म हो गया खुद का। शंभू लाना से आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद रहेगी आपको? बस यही उम्मीद है जब शिक्षा पर ध्यान दे भाई, मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा दबाव हो जाए, शिक्षा के विभाग में दबाव हुआ सबसे ज्यादा, शिक्षित नहीं है बच्चे, कहीं को अपना अच्छा सा कॉलेज बनवावे, कोई मेडिकल कॉलेज बनवावे, कोई इस तरह का अपने क्षेत्र में, तो इन चीजों पर थोड़ा ध्यान रखना। भाजपा के पूर्व विधायक है खतौली से विक्रम सैनी, अभी उन्होंने काजीराना के बारे में बोला है कि वो तो गुंडा है। क्या बताए भाई, उनकी जुबान है कुछ भी कहते, नहीं तो विक्रम सैनी भी ऐसा जैसा काजीराना, फिर तो इसका मतलब तो ये हुआ काजीराना कैसे है? नहीं, जैसे उन्होंने बोल दिया वैसे वे है भाई, जैसे उसने बोला कि गुंडा है, तो वो भी उसी लैंग्वेज में उसे भी लग रहा होगा वो भी गुंडा ही है, दोनों सेम है, हुए ना। मैं किसानी खेती करता हूँ जी, किसान हूँ। अच्छा, किसान हो तो गांव में चुनाव को लेकर क्या माहौल है? चुनाव का माहौल तो जी एक तरफा दिख रहा है हमारे गांव में, तो जी सफा को वोट कर रहे हैं यहाँ तो मुसलमान,
अच्छा, क्या वजह है जो समाजवादी को वोट कर रहे हो? वजह कुछ नहीं है जी, बस अखिलेश भैया और गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन का गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन राहुल को, राहुल की वजह से ज्यादा वोट कर रहा है मुसलमान, राहुल की छवि को देख के, राहुल गांधी की वजह से जी, राहुल गांधी की वजह से ज्यादा वोट कर रहे हैं। कुछ नहीं जी, कुछ ज्यादा कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ सपा को वोट करेगी मुसलमान, ज्यादा वोट नहीं कटेगा, न ज्यादा वोट बटेगा। अच्छा, ओवैसी के बारे में क्या ख्याल है आपका? ओवैसी अच्छे लीडर है, अच्छी पार्लियामेंट में अच्छी आवाज उठाते हैं मुसलमानों के लिए, अच्छे मुद्दे उठाते हैं। अगर वो मुसलमानों के लिए अच्छे आवाज उठाते हैं, मुसलमानों के मुद्दे संसद में उठाते हैं, अब उनका प्रत्याशी मैदान में है तो प्रत्याशी भी अच्छा ही होगा, तो क्या है अब वोट के बारे में क्या कहेंगे? वोट के बारे में अलग है, देखो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत अलग है, यहाँ राजनीति सब बहुत अलग है, यहाँ सपा को आज तक मुसलमान सपा को ही वोट करा, और ऐसे हैदराबाद से आके लड़ने लगे तो इतनी जल्दी तो चुनाव में भी नहीं आएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा समझाने में समझने में थोड़ा टाइम लगेगा मुसलमान को, थोड़ा धीरे धीरे पार्टी को थोड़ा बढ़ने में। ओवैसी को चांस अगर दे दोगे तो क्या हरज है? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, टाइम इतनी जल्दी तो किसी को भी नहीं मिलता, इतनी जल्दी चांस तो किसी को नहीं मिलता, अखिलेश ने भी टाइम दिया थोड़ा सा, जब जाके मुसलमान ने उसका साथ दिया, तो ऐसे एकदम इतनी जल्दी नहीं दिया जाता। तो पूरे गांव में क्या माहौल है आपका? मतलब पूरे गांव में तो जी सफा का ही है ज्यादातर, तो यहाँ माहौल तो सबका अपना अपना होता है, एक गांव है, गांव में सबकी अपनी अपनी सोच होती है, किसी की अपनी किसी की अपनी, तो मुद्दा जो है वो है वोट कहाँ दे रहे हैं। अब मैं हूँ, मैं तो जाहिद हुसैन को दूंगा, ये भाई कह रहे हैं कि सबको के देंगे, तो वो अपनी अलग अलग सोच है किसको वोट दे रहे हैं किसको नहीं, लेकिन रुझान के देखते हैं तो सबका देंगे। तो जाहिद हसन को वोट करने की वजह, सपोर्ट करने की वजह गांव के पड़ोसी है, बिरादरी है, या पार्टी के वजह से कर रहे हैं? देखिए राजनीति है, इसमें तो अपनी लुगाई अपनी नहीं होती, बिरादरी तो क्या होगी, सच्ची बात तो ये है। सपोर्ट करने की वजह मैं पूछ रहा हूँ, आप एक पड़ोसी हो गया, भाई पड़ोसी का हो गया, ठीक है, एक बिरादरी हो गया, आदमी बिरादरी तरफ को भी जाता है, एक पार्टी हो गई, तो क्या वजह? मैं बताता हूँ, अब हमारे यहाँ से कादिर राणा जी भी है, वो बहुत दूर के हो गए सुरडू के, वैसे ज्यादा तो दूर है नहीं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत दूर है। अब जाहिद हुसैन है, हमारे नेबर ही है, आप देखे तो रुड़गली के है, और कभी अगर उनके पास जाते हैं, वे मिलते भी है और आगे भी मिलते रहेंगे, बस क्षेत्र का है अपना, भाई पहली बार लड़ रहा है इलेक्शन, अगर इस बार सपोर्ट किया तो उम्मीद रही आगे भी अच्छा लड़ेगा और अच्छा काम करेगा। क्या लग रहा है आपको दलितों का वोट जाहिद हुसैन को मिल पाएगा? देखिए उनके कहने से तो लग ही रहा है, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर दलित लोग उन्हीं के साथ है। तो गांव का माहौल क्या है जाहिद हुसैन के बारे में? कुछ लोग तो है उसके साथ, कुछ लोग हैं, और बाकी सब? बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, मैंने पहले बताया था कि जाहिद के साथ भी है, कादिर राणा के साथ भी है, और जो है मिथिलेश पाल है, कुछ लोग इसके साथ भी है, ऐसी बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है, तो वो तो तब बैलेट पेपर आ जाएगा ना हाथ में, तभी पता लगेगा कि किसने कहां मोहर लगाई है। जाहिद हुसैन से आपको अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं क्या उम्मीद रहेगी आपको? देखिए मैं युवा हूँ, मुझे तो ज्यादातर ये उम्मीद है कि हमारे यहाँ एजुकेशन अच्छी हो जाए, मुझे तो। और क्या मुद्दे रहेंगे? जो किसानों की उम्मीदें हैं मील को लेकर, अगर वो विधानसभा में जाएंगे आवाज उठाएंगे तो शायद हमारे यहाँ का मील भी बड़ा हो जाए, जो किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, और मेरी तो ये है कि 6-7 गांव को एक स्कूल मिल जाए, एक मुफ्त का स्कूल। तो मोहम्मद फराइम जी, अब उपचुनाव का इलेक्शन होना है मीरापुर विधानसभा सीट का, तो गांव में आपकी क्या माहौल है चुनाव को लेकर? गांव तो यहाँ एक तरफ से सबके साथ है। तो सबके साथ में है, क्या कोई खास वजह है? खास वजह है बस पब्लिक का रुझान है, पब्लिक का रुझान है इस तरफ, पब्लिक का रुझान है। तो अच्छे नेता है अखिलेश यादव जी? हाँ अखिलेश अच्छे तो है, और ओवैसी जी? ओवैसी भी अच्छे है, लेकिन यहाँ से उसका कोई वोट है नहीं, ज्यादातर वोट जो है वो समाजवादी पार्टी, समाजवादी। अच्छा, कोई खास वजह है ओवैसी उसके समाजवादी को वोट करने की? बस मुसलमान ने रुझान ज्यादातर उधर ही है। गांव का माहौल यह है, 5 कैंडिडेट हैं, वोट 5 ले रहे हैं, कोई ज्यादा कोई थोड़े, बस 2-3 आदमी का जोड़ ठीक ठाक है। अच्छा भाई, भाजपा का भी, मिथिलेश आरएलडी का, मतलब आरएलडी से गठबंधन, हाँ गठबंधन का भी, और जो जो जाहिद लड़ रहा भाई, आजाद समाज पार्टी का, आजाद समाज पार्टी का, इन तीनों का जोड़ ठीक ठाक रहेगा। यहाँ पे आपके गांव में किसका ज्यादा है? बस इन तीनों में छाड़न जाता, इन तीनों तो बराबर यार, हिसाब का लगा देख कर तीनों बराबर से दिखाई दे रहे हैं। आपके गांव के कुछ लोग बोल रहे हैं कि पूरे गांव में है साइकिल, अजी नो तो बस जिसको जहाँ कोई जिसे देना, वो तो फिर सारा उसी का होगा, वो तो फिर सारा उसी का होगा, दिख रहा सारा गाँव उसी को। आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है ये बताइए?
पार्टी तो तीन दिन बढ़िया हम तो एक बात जाने भाई सीधी बात हम तो करना खाना अच्छा खाना कोई दे दे रही बात जो कैंडिडेट वो बढ़िया जो अपना पड़ोस का हो भाई कहना जरा कोई काम पड़ जाएगा किसी टाइम जाके अपना शायद मैं क्या सुन ले भाई। पड़ोस के तो जाहिद भी है और सैनेजर भी है यार भाई कहना जरा कादिर राणा भी है दोनों है इसीलिए और भाई मिथिलेश भी कोई पास ही है कोई नेटिव जो भी कौन सी मुजफ्फरनगर ही है। जाहिद हसन से क्या क्या उम्मीद है आपको अगर वो विधायक बन जाते हैं तो? उम्मीद तो यही है मतलब जो भी कोई आदमी मान लीजिए जिसे इज्जत दे दे अपने मीरापुर सीट पे सभी तरफ को मतलब उनके सबकी तरफ को ध्यान रखना चाहिए जहाँ जहाँ काम होना वहाँ काम करवा देना चाहिए। ज्यादातर माहौल जो हो गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में सपा के जो है लगभग 80% मुस्लिम गठबंधन प्रत्याशी को वोट दें। बाकी जो और आपके पड़ोसी है जाहिद हुसैन उनके बारे में क्या है मतलब? देखो राजनीति करने के लिए एक चंद दिन पहले उठ के डंका बजा देना कि मैं राजनीति में आ गया मैनू करूंगा वो करूंगा ये कुछ नहीं। पहले पब्लिक की सेवा करो पब्लिक में अपनी पकड़ बनाओ उसके बाद जाके जो है राजनीति की बात करो। तो बिरादर है आपके पड़ोसी भी है? बिरादर है तो बिरादर तो सारा इलाका है अपना सारा बिरादरी है यहाँ और कौन है। पर ये थोड़ा ये कि दो दिन मैंने को भाई ओ मुझे टिकट हो गया ऐसा नहीं। चुनाव को लेकर के तो जाहिद हुसैन को ही वोट दे रहे सर और जाहिद हुसैन की साइड में ज्यादा लोग हैं। कौन सी पार्टी से जाहिद हुसैन? जाहिद हुसैन तो से है आजाद समाज पार्टी से। आजाद समाज ये तो चंद्रशेखर की जो पार्टी है तो उन्हीं के हक में माहौल है ज्यादातर गाँव का। हाँ माहौल तो उनके हक में है। तो ये वोट देने की वजह पार्टी है या जाहिद हुसैन है? जाहिद हुसैन भी कुछ हद तक पार्टी है। चंद्रशेखर थोड़ी आवाज मुसलमान ने को ज्यादा अच्छे तरीके से उठा रहा। कैसा आदमी है चंद्रशेखर? आदमी तो मिला नहीं उनसे कैसा पर उनकी मन ने देखे इंटरव्यू सुनू थोड़ी न्यूज देखी तो आदमी तो ठीक ही लगे। तो मुसलमानों के हक में क्या बोलते हैं? मुसलमानों के हक में जो भी बोला अच्छे बोला उन्होंने गाली तो दी नहीं अभी तक। और भी हमने दिया था और आदमी को वोट देके देखे और कोई खास इतने अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं हम उनसे। समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? ये तो सबको दिख रहा समाजवादी पार्टी क्या दिशा है? क्या दिशा है? दिशा तो ये है कि अगर समाजवादी पार्टी अगर अच्छे से अपना काम करती तो फिर जीतती। जीतती नहीं कुछ ना कुछ तो इनका राही मामला गड़बड़ जो। ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे आप? ओवैसी आदमी ठीक है। उनके प्रत्याशी भी मैदान में है मीरापुर विधानसभा सीट से। मैं तो जानता भी नहीं था पता नहीं चला कहाँ है वो। आई नहीं गाँव में इधर वो अपने घर पड़ा हुआ अभी तो हमारा गाँव में तो निकला नहीं अभी। अच्छा उनका कोई माहौल नहीं है इधर? माहौल क्या मैंने तो देखा नहीं कोई किसी ने सुना हमें तो पता भी तुम्हारे से लगा। अच्छा बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार है सानजर जी उनके बारे में क्या है? आज से पहले नाम भी नहीं सुना था अभी सुना। तो आपने जो नाम सुना है ज्यादातर वो सुना है समाजवादी पार्टी का और आजाद समाज पार्टी? नहीं नाम तो सबका ही सुना प्रत्याशियों का नहीं सुना। प्रत्याशियों का? प्रत्याशियों में आप जो जानते हो मतलब आपको जो पता है इलेक्शन लड़ रहे हो सुम्बुल लाना है और जाहिद हुसैन है? नहीं सुम्बुल लाना भी है जाहिद हुसैन भी है। आपने उनका नाम जैसा नाम सुना हमने उनका भी ओवैसी का भी सुना कोई राणा पाना करके उठ रहा सारे राणा आ रहे हैं फिर कह रहे हमें जिताओ अपने वहाँ क्यों लड़ रहे हैं उनकी सीट भी तो है सदर है बुढ़ाना है इधर है मीरापुर पे क्या बट रहा है जो मीरापुर पा रहे हैं। हाँ करवाए सड़क बनवा रखी पीछे सड़क बनवाए। आपके गाँव के बोल रहे थे कि कुछ नहीं आए नहीं यहाँ पे कभी? नहीं आए दो तीन चार बार आए और काम भी कराया विकास। हाँ एक सड़क बनवाई थी छोटी सी जैसा वोट मिला था ऐसा काम नहीं करवा पाए हम बस ऐसे ही आवे दूसरे नेता तो मुसलमानों का अगर कोई मुसलमान तो खुश हो जाए इनकी शादी में नेता आ जाए एक तो कोई मर जाए उसमें नेता आ जाए और मुसलमान खुश सिंधा छोटा करो फिर है बाकी तो कुछ ऐसा इनसे खास वोट नहीं मिलता। हमारे गाँव का माहौल तो जी आजाद समाज पार्टी को वोट दे रहे आजाद समाज यानी कि जाहिद हुसैन को जाहिद हुसैन को वोट दे रहे। अच्छा आपके गांव के कई लोग अभी मुझसे मिले वो कह रहे थे कि भाई हम तो वो सपोर्टर जो वोट करेंगे वो करेंगे साइकिल को। सबका अपना अपना नजरिया कौन किसे दे रहा। तो गांव का क्या माहौल है वैसे ज्यादातर? ज्यादातर तो गठबंधन का ही है लेकिन हम तो ये चाहे कि ज्यादा से ज्यादा जाहिद हुसैन को जब जाहिद हुसैन को वोट करने की वजह पड़ोसी बिरादरी या पार्टी? नहीं नहीं पड़ोसी बिरादरी को छोड़ दो हमारे अपने लगे एक संबंध है अब एक एक वोट के ऊपर ये चंद मिनट के लिए आदमी दूसरे पे चला जावे बाहर के आ रहे हैं यहाँ लड़ने के लिए हमें कौन पूछ रहा। अब कहें हमारे पड़ोस का तो है हमारा अपना तो है जाके उससे अपनी बात तो रख लेंगे अपनी बात तो कह लेंगे उससे जाके। अब बाहर के आवेंगे लड़के चले जावेंगे हम चले गए अब को आदमी कह दे भाई है नहीं यहाँ अपना अपन पर बिस्तरों पर पड़े अब हम क्या करेंगे। अच्छा जो पहले यहाँ से जीत के गए हैं 2022 में MLA थे चंदन चौहान जी तो वो इधर आए नहीं क्या उन्होंने कुछ विकास नहीं करा? हमारे गांव में तो जीतने के बाद हम लोगों ने देखे नहीं।
अभी भेड़ में एक झगड़ा हुआ था, उन्होंने कह दिया था मुसलमानों का कोई काम ही नहीं है यहाँ, गुजरो गुजरो का साथ दिया था। तो बाहरी प्रत्याशी को वोट न देने की वजह सिर्फ यही है आपकी? यही वजह है। हम कादिर राणा के यहाँ भी गए थे एक दफा, रात को एसडी कॉलेज में रक्षण थे तो हम उनसे मिलने के लिए गए थे, अपने वे घर पे ही थे, अंदर ही थे, हम उस चीज का पता लग गया। उन्होंने कहा उनको कह दो यहाँ नहीं है, रात के 12 बजे हम उनके घर पे गए, जबकि हमें उन्होंने टाइम दिया था आपसे मिलने का, टाइम दिया आपको, आपसे मिल नहीं पाए, नहीं मिले थे हमसे, हमें पता था कि घर में ही है। तो राणा जी से जो वजह है आपकी नाराजगी की वो यही है कि वो बाहरी है? बाहरी है, दूसरी बात हम कहा उनको, हमें कौन जान रहा, हम उनके घर दर पे जावेंगे, कह देंगे जी है नहीं, आ चलो उनको चलो जाओ, क्या करेगा आदमी, चलो भाई अपने घर को। अब इससे कम जाहिद हमारे बीच का तो है, हमारे पड़ोसी तो है, हमारे संबंध भी है, उसकी उम्र उससे नहीं है तो उसकी फैमिली से है, वो नहीं सुनने का उसकी फैमिली को पकड़ लेंगे, अब बाहर के आदमी को कहाँ पकड़ लेंगे जाकर। अच्छा, जाहिद हुसैन जो है शायद लाइफ में वो पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या कामयाब हो पाएंगे? उम्मीद तो यही है कि कामयाब होने चाहिए, अल्लाह मालिक है, और दुआ करेंगे उनके लिए। अच्छा, और प्रत्याशी भी है मुस्लिम यहाँ से सानेजर जी, वो भी झोजा बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? उनसे हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे, तब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद हार हो या जीत हो तो उनकी बहन जी तो कह देती है कि हमें जो जो वोट ही नहीं दिया, मुस्लिमों ने वोट ही नहीं, हार पे खास तौर से बोलती है कि हमें वोट ही नहीं दिया, तो फिर उसे वोट देने का क्या फायदा, जो हमारे लगीन रहे उसे वोट क्यों देवे फिर भी मुस्लिमों को टिकट, भैया तो इन्हें ये बिगड़ जाए ना, इनको बिखर जावे किसी तरह, ये बिखरने इन्हें बिखेरने के लिए टिकट दिए जा रहे। एक प्रत्याशी है MIM की पार्टी से अरशद राणा, उनके बारे में क्या ख्याल है? देखो जी वो भी ठीक है, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई ऐसा मतलब वास्ते नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब रही उनकी बात, ये कम से कम अपने तेलंगाना में तो सरकार बनाकर एक बार उनके बारे में जब भी तो सोचा जाएगा, जब अपने घर में अपनी मजबूत लाठी होगी, जब अपनी लाठी मजबूत नहीं तो बाहरी क्या कर लेगा जाकर। तो वैसे को चाहिए कि अपने तेलंगाना में जो स्टेट है वहीं पे अपनी पार्टी को मजबूत करे, अभी UP में या और स्टेटों में न जाए, उसके बाद बाहर निकले फिर, तब तो आदमी सोचे भी नहीं को भाई हाँ अपनी सरकार है उनकी, उन्हें बाहर निकल, अब निकल उन्हें जरूरत है इस चीज की, अब फिर उन्हें सपोर्ट करा जाएगा। गठबंधन को वोट दिए जाएंगे भाई? गठबंधन जी कौन प्रत्याशी है गठबंधन से? भाई जाहिद, वो गठबंधन से तो प्रत्याशी नहीं है, शाहिद आज समाज पार्टी से, शाहिद है ना, शाहिद जाहिद हुसैन जो है आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार है, और गठबंधन से जो प्रत्याशी है वो शंभू लाना काजी राणा के बेटे की बहू। हाँ तो गठबंधन को वोट देंगे भाई, आपको प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, आपको तो गठबंधन को वोट देना है, सही बात, गठबंधन को वोट देना। अच्छा, और मुस्लिम जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? ज्यादा करके गठबंधन पे वोट जाएंगे। गाँव का माहौल भाई सब कहते हैं साइकिल का, समाजवादी पार्टी के हक में है। कौन है प्रत्याशी? वो है शंभू राणा। अच्छा, शंभू राणा है, तो बाकी और जो प्रत्याशी मुस्लिम है, जाहिद हुसैन आपके पड़ोसी हो गए, एक सानेजर है कमेटी के हो गए, तो उनके बारे में क्या है मतलब उनका? कुछ नहीं, हम तो लड़ रहे हैं। अच्छा, समाजवादी को इतना सपोर्ट करने की क्या वजह है भाई? सपोर्ट कांग्रेस कर सकते बंधन है, राहुल को सपोर्ट कर रहे, शिकायत नहीं कर रहे, राहुल की वजह से कर रहे। मतलब क्या वजह है इतना सपोर्ट करने की, कुछ वजह होगी ना? मुझे का तो भाई हमें पता नहीं, हमें तो वोट देना है बस, ऐसे ही वजह कुछ नहीं है, कोई वजह नहीं, पसंद है बस आपको? हाँ पक्का। पार्टी पसंद है या राहुल जी पसंद है? नहीं पार्टी पसंद है, कांग्रेस भी और समाजवादी। माहौल तो वो है, चुनाव के टाइम पे ये आदमी आते हैं, इससे पहले तो ये आदमी नहीं आता। हाँ इससे पहले कोई नहीं आता, इससे पहले तो ये नहीं सीधा दिखाता अपनी, चुनाव के दौरान ही सब आते हैं, चुनाव के दौरान ही आते हैं ये लोग, चेहरा दिखाते हैं ये चुनाव पे चेहरा दिखाते हैं। हाँ इससे बाद में तो ये मरो जीवो तो ये नहीं आता, यहाँ से क्या कोई नहीं आता, यहाँ तो ये नहीं आता। अब क्या रुझान है किस ओर? अब यहाँ रुझान हुआ है जी, दादी नाना था इस्तलम देवी वो लीव क्या नाम हूँ संभल राणा। अच्छा वो पहले भी यहाँ भी रहत लह दिया था, वो बतावा तो ऐसा वैसा ही, लेकिन किस टाइम तो वो अतल हो जाए वो तलवा रहता है। आया समाज पार्टी से भी चुनाव मैदान में यहाँ पे रोड के लिए आपके करीबी हैं गांव से? अजी वो तो वो है नु सोच लेना, एक मुसलमान गठबंधन सारा तो सब तो तिदत दे फिर ये
मुसलमानों को बतवारा फंस जा। तो उनका कोई रुझान नहीं आसी? हाँ, रुझान जो है वो तादी नाने का रहेगा, साइकिल पे रहेगा, साइकिल पे रहेगा।